आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हर दौर के इंसानों के लिए एहसान अजीम और मशालेरा है, चाहे वो कुरून उला का दौर हो या खुलाफाए राशिदीन का दौर हो या फिर इल्मे मगरिब की इस्तेलाह में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत व तालीमात से ऐसा मुआशरा, ऐसी तहजीब और सिविलाइजेशन वजूद में आती है कि आज दुनिया अपनी तमाम दर तरक्की के बावजूद उसकी मिसाल लाने से कासिर है। आइए सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में जदीद दौर के मसाइल का हल जानते हैं। अल्कोहल के नुकसानात का एतराफ आजकल दुनिया भी कर रही है। अगर आप देखें कि WHO की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन सालाना 3 मिलियन लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं और 200 के करीब बीमारियां इससे जन्म लेती हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इसकी नुकसानात के बारे में बताया और इसे उम्मुल खबाइस करार दिया। आज सोशलिज्म और कैपिटलिज्म सिर्फ अमीरों को ही जीने का हक फराहम कर रहे हैं, लेकिन आज से 1400 साल कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों और मस्कीनों को अल-फ़क्र फ़क्री कहकर सीने से लगा लिया था। आज आलमी बैंक पानी के मसले पर तीसरी जंग अजीम छिड़ जाने के इशारे दे रहा, जबकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को आज से 1400 साल पहले पानी के इसराफ से मना फरमाया और इसका हल बता दिया था और यहाँ तक फरमाया कि पानी जाया मत करो अगरचे तुम बहते दरिया के किनारे ही क्यों ना हो। ह्यूमन राइट्स के हवाले से अगर बात करें तो आज भी हिंदुस्तान का अछूत वहां के बरहमन की बराबरी नहीं कर सकते। इसी तरह अमेरिका का रेड इंडियन बरसर इक्तदार सफेद कौम की बराबरी का दावा नहीं कर सकता, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का ये एजाज था कि हबशा के गुलाम हजरत बिलाल रफीक मुस्तफ़ा और बर्बर अफ्रीकी गुलाम तारिक बिन ज़ियाद स्पेन के किश्वर कुशा बन जाते हैं। नाज़रीन मुकर्रम, ये दुनिया इस वक्त तबाही, हलाकत और बर्बादी के दहाने पर खड़ी है और इस दुनिया को बचाने का वाहिद रास्ता ये है कि हम सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीनारे नूर की सूरत में बुलंद करें और जिंदगी के हर हर गोशे में एक एक सुन्नत को अपना नस्मुल ऐन बना लें, क्योंकि एक जुगनू ही सही साथ सफर में रखना तीरगी को कभी बेबाक न होने देना।